और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज लखनऊ का दौरा है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मोहनलालगंज में महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा महिला हाफ मैराथन को दिखाएंगे हरी झंडी। 21 किलोमीटर दौड़ के लिए 4000 महिलाओं ने किया पंजीकरण। जहां पर दोपहर 1:30 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी होंगे शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि जेपी नड्डा का आज दौरा और महिला हाफ मैराथन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। 21 किलोमीटर दौड़ के लिए 4000 महिलाओं ने कराया पंजीकरण। जहां पर दोपहर 1:30 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इस दौरान अगर बात की जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज लखनऊ का दौरा है। तो बड़ी खबर बता रहे, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा बात की जाए तो मोहनलालगंज में भी महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा महिला हाफ मैराथन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और इस मैराथन की अगर बात की जाए तो 21 किलोमीटर दौड़ के लिए 4000 महिलाओं ने कराया है पंजीकरण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अश्वनी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जेपी नड्डा का आज दौरा है, क्या कुछ खास उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में जो आलाकमान भारतीय जनता पार्टी है उसका दौरा बढ़ता जा रहा। आप अगर बात करें पिछले 2 दिनों में, कल और आज दोनों दिन मिलाकर के 3 बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश की धरती पर रहे। कल प्रधानमंत्री खुद रहे थे, आज जेपी नड्डा लखनऊ में है, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं भी ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ताकतवर भी ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। और कहीं ना कहीं 80 सीटों का लक्ष्य इसीलिए लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि अगर उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हम निकालते हैं तो निश्चित तौर पर उनको सरकार बनाने से दोबारा से कोई भी नहीं रो सकता। आज जेपी नड्डा आएंगे तो कहीं ना कहीं मन भापने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी का आएंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या। मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, वहां पर भी कार्यक्रम है। उससे पहले प्रधानमंत्री के मन की बात जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम जो है ट्रांसपोर्ट नगर में निजी होटल में होगा, जहां पर तमाम जो पार्टी के वर्कर्स सीनियर लीडर्स होंगे मौजूद रहेंगे, उनके साथ मन का कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद दुबग्गा चौराहा है जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट पड़ती है, उसके अंतर्गत आ जाता है। वहां पर हाफ मैराथन जो है महिलाओं के लिए होने जा रही है, उसमें शिरकत करेंगे। हालांकि इस बार महिला हाफ मैराथन में जो है 21 किलोमीटर की पूरी हाफ मैराथन होगी जिसमें 4000 महिलाएं शामिल होंगी। इसके बाद तीसरा कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम होगा जो बुद्धेश्वर में होगा, वहां पर शिरकत करेंगे। तीनों ही बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ पार्टी के आला अधिकारी जो आला कमान है पार्टी के, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, सभी मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव होना है उसकी कहीं ना कहीं परखने की कोशिश आज जेपी नड्डा करेंगे। साथ ही हालांकि जो पार्टी की ओर से 3 ही कार्यक्रम जारी किएंगे, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं कि आज जो जेपी नड्डा हैं बैठक भी कर सकते हैं अपने जो पदाधिकारियों के साथ में। और कहीं ना कहीं 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव करने, क्या कुछ नया करना, कार्यक्रमों का किस तरीके से चयन करना, इन तमाम चीजों पर चर्चा भी बिल्कुल, क्योंकि आज अगर बात करें तो अश्वनी, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही खास उनका ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि अब साल 2024 में भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं। तो ऐसे में पूरी रणनीति बनाने के लिए जेपी नड्डा जो है इस बार हो सकता है कि इस बैठक में भी तमाम मुद्दों पर इस दौरान काम करें और इस दौरान चर्चा भी करें। बिल्कुल, जब बड़ा कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता आता है तो निश्चित तौर पर कार्यक्रमों के अलावा कहीं ना कहीं ये जरूर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब वो लखनऊ आता है तो कहीं ना कहीं जानने कोशिश करता है कि क्या माहौल है। तो जेपी नड्डा संभावनाएँ पूरी हैं कि अपने जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ कुछ समय के लिए बैठक भी कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें और तेज़ी कैसे लाई जाए, क्या कुछ किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी कर सकते हैं। हालाँकि
भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ही तय करता है कि क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बेहतर बात यही है कि वो फीडबैक सभी से लेते हैं, चाहे वो बूथ स्तर का कोई कार्यकर्ता हो या फिर वो प्रदेश स्तर कार्यकर्ता, सभी से फीडबैक लेते हैं। हालांकि इस दौरान जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के आज 2023 का आखिरी दिन है, तो कहीं ना कहीं आज एक तरीके से बिगुल बजा करके लखनऊ से जेपी नड्डा जाएंगे और कल से एक बार फिर 2024 प्रवेश करते ही कहीं ना कहीं शंखनाद होगा और कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव जो है उसके रण में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी कल से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।